हेलो गाइस, मेरा नाम है दोस्तों मिचर टेक एंड पे सबका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो अपकमिंग स्मार्टफोन है जो अक्टूबर महीने के अंदर हमें लॉन्च होते हुए देखने को मिल सकते हैं इंडिया और ग्लोबली, उसके बारे में। सो हम पूरे डिटेल में बात नहीं करने वाले क्योंकि टेक न्यूज़ के अंदर हम डिटेल में सभी जो स्मार्टफोन होते हैं लॉन्च होते तब उसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करते ही है। सो हम सिर्फ ब्रांड और कौन से स्मार्टफोन लॉन्च हो सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो हालांकि अगर आप मिचर पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कराना भूलें मेरे चैनल को, साथ में बेल आइकन दबा के ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तक सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वीडियो को देख पाओ। साथ ही में अगर आपको मेरी ये मेहनत ये एफर्ट पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना ना भूलें, साथ ही में शेयर भी कीजिए ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। क्या पता अगर उनको पसंद आए तो वो भी हमारी फैमिली का हिस्सा बन पाए। चलिए अब देखते हैं कि कौन कौन से स्मार्टफोन जो है उनकी लॉन्च होने की जो है संभावना है इस अक्टूबर महीने में। सो अब हम जो पहली ब्रांड के बारे में बात करने वाले हैं जिसका स्मार्टफोन लॉन्च हो सकता है, हालांकि पिछले दो महीने से जो है हर अपकमिंग स्मार्टफोन वाले वीडियो के अंदर मैं इसे कवर कर रहा हूँ कि अब लॉन्च होगा, बट कंपनी भी कही जा रही है कि भाई अब लॉन्च होगा। सारे स्मार्टफोन जो है थोड़ा सा डिले होकर लॉन्च हो रहे हैं बट उनको कुछ दिक्कत नहीं आ रही, बट पता नहीं इस कंपनी का क्या है। मैं बात कर रहा हूँ आसुस के Z8 के बारे में है। अब ये लॉन्च होने वाला था, अब पता नहीं इसके बारे में क्या हुआ है कंपनी की तरफ से। मैंने आपको ट्वीट भी दिखाया था टेक न्यूज़ के अंदर, मैंने इसकी बात की थी कि लॉन्च होने वाला है, बट पता नहीं ये कब लॉन्च होगा। हो सकता है शायद इस बार इस महीने में लॉन्च हो गया है, फेस्टिवल आ रहे हैं तो हो सकता है शायद लॉन्च कर दे। इसके बारे में ज़्यादा मैं बात नहीं करना चाहूँगा, देखते हैं कि लॉन्च होता है कि नहीं होता ये इस महीने में। सो अब जिस ब्रांड के बारे में बात करने वाले हैं वो है मोटोरोला के स्मार्टफोन के बारे में। तो मोटोरोला जो है मोटोरोला की तरफ से हमें S20 स्मार्टफोन तो ऑलरेडी देखने को मिल ही रहा है, साथ ही में S20 प्रो स्मार्टफोन जो है वो लॉन्च नहीं हुआ है। सो बीच में हिंट भी निकल गया था, पोस्टर भी निकल गया था जिसके बारे में हमने टेक न्यूज़ के अंदर बात की थी, तो S20 प्रो स्मार्टफोन। और साथ ही में एक और पोस्टर निकल गया था जिसके बारे में हमने टेक न्यूज़ के अंदर बात की थी, वो है मोटोरोला जी प्योर स्मार्टफोन। हालांकि S20 प्रो इंडिया में लॉन्च होने वाला है, बट अब ये जो मोटो जी प्योर स्मार्टफोन है अब वो इंडिया में लॉन्च होने वाला है पहले या फिर ग्लोबली लॉन्च होगा पता नहीं, बट वो उसकी भी जो है लॉन्च होने की संभावना है। देखते हैं कि इस महीने हमें S20 प्रो के अलावा कौन सा स्मार्टफोन में देखने को मिलते हैं मोटोरोला की तरफ से। सो अब जिस ब्रांड के बारे में बात करने वाले हैं वो है आइकू के स्मार्टफोन के बारे में। सो आइकू की तरफ से जो है पहले 8 सीरीज लॉन्च होने वाली थी सितंबर के अंदर, फिर न्यूज़ आई कि नहीं जेड सीरीज का स्मार्टफोन लॉन्च होगा सितंबर के अंदर, बट अब अक्टूबर के अंदर जो है काफ़ी हद तक चांसेस है कि जो चाइना में लॉन्च हुए थे आइकू 8 और आइकू 8 प्रो तो वही इंडिया में जो है लॉन्च होने की काफ़ी हद तक चांसेस है इसके इंडिया के अंदर। अब देखते हैं कि कौन से डेट को लॉन्च होते हैं, हालांकि अभी तक इसके लॉन्च डेट के बारे में कोई डिटेल्स नहीं निकल के आई है। साथ ही में ग्लोबली जो है अब ये ऐसी न्यूज़ आ रही है कि अक्टूबर महीने के अंदर जो है आइकू नियो सीरीज के स्मार्टफोन या नियो 6 सीरीज़ या फिर नियो 7 सीरीज़, अगर 7 सीरीज आती तो समझ लेना नियो 6 सीरीज जो है वो स्किप कर दिया है नंबर, तो नियो सीरीज के स्मार्टफोन जो है लॉन्च होने की काफ़ी हद तक चांसेस है। साथ ही में आइकू Z5X ये भी स्मार्टफोन जो है वो अक्टूबर में हमें चाइना में लॉन्च होते देखने को मिलने वाला है। देखते हैं इंडिया में इसमें से कौन सा स्मार्टफोन लॉन्च होते हैं। हालांकि आइकू 8 जो है लॉन्च होना चाहिए अक्टूबर के महीने, फेस्टिवल सीजन भी स्टार्ट हो गया है इंडिया के अंदर, तो देखते हैं कि क्या इसके बारे में और हमें डिटेल्स आगे मिल पाती है। सो अब जिस ब्रांड के बारे में बात करने वाले हैं वो है शाओमी के बारे में। तो शाओमी की तरफ से जो है मी 11T सीरीज़ जो है वो ऑलमोस्ट समझ लीजिए कंफर्म है कि वो हमें इंडिया में लॉन्च होते हुए देखने को मिलने वाली है। साथ ही में अगर हम शाओमी की सब ब्रांड के बारे में बात करें यानी कि रेडमी के बारे में बात करें तो रेडमी की तरफ से भी जो है रेडमी नोट 10 लाइट जो स्मार्टफोन है वो भी जो है चांसेस है, क्योंकि ये भी वो स्मार्टफोन भी जो है BIS सर्टिफिकेशन क्लियर कर चुका है। यानी कि ये Xiaomi और Redmi की तरफ से जो है ये Xiaomi की Mi 11T सीरीज़ और Redmi Note 10 Lite ये दो स्मार्टफोन तो कंफर्म है कि आपको अक्टूबर के महीने में इंडिया में देखने को मिलने वाले हैं। सो अब जिस ब्रांड के बारे में बात करने वाले हैं वो है Realme के बारे में है। सो जैसे कि आपको पता है अभी थोड़े दिनों पहले जो है चाइना के अंदर Realme GT Neo 2 स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है। अब वही स्मार्टफोन जो है हमने टेक न्यूज़ के अंदर बात की थी कि माधव सेठ ने पूछा था इंडिया में चाहिए कि नहीं चाहिए, तो वो अब वापस हम कवर नहीं करने वाले डिटेल में, बट अब ये जो स्मार्टफोन है वो अर्ली अक्टूबर के अंदर इंडिया में लॉन्च होने वाला है। साथ ही में ग्लोबली जो है चाइना ग्लोबली नहीं बट चाइना के अंदर जो है मैं कहूँगा कि Realme Q3S स्मार्टफोन जो है वो चाइना में अक्टूबर के अंदर लॉन्च होने वाला है। अब देखते हैं कि कौन से स्पेसिफिकेशन के साथ जो है हमें वो स्मार्टफोन देखने को मिलता है और क्या वो स्मार्टफोन इंडिया में आएगा कि नहीं, वो बात की बात है, वो तो जब Q3S चाइना में लॉन्च होगा उसके बाद हमें पता चल जाएगा। बट इंडिया के अंदर जो है Realme GT Neo 2 कन्फर्म है कि वो लॉन्च होने वाला है और देखते हैं कि और कुछ लॉन्च करती है कि नहीं। बट हाँ, साथ ही में Realme जो है इसी महीने शायद जो है अक्टूबर के महीने में जो है चाइना में एक स्मार्टवॉच जरूर लॉन्च करने वाली है। आप देखते हैं कि वो स्मार्ट
वॉच जो है कौन सी होती है और क्या फीचर्स के साथ जो है उसे लॉन्च करती है। अब जिस ब्रांड के बारे में बात करने वाले हैं वो है गूगल के बारे में है। गूगल पिक्सल 6 सीरीज़ के हम कैमरा स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर चुके हैं। गूगल पिक्सल 6 सीरीज़ के फ़ोन की डिज़ाइन भी जो इस बार काफ़ी हद तक चेंज की गई, काफ़ी कुछ चेंजेस किए गए हुए और काफ़ी अलग भी दिख रहे हैं। ये ग्लोबली लॉन्च होने वाले अक्टूबर के अंदर, अभी इसकी डेट तो पता नहीं चल पाई अभी तक, बट देखते हैं कि ये इंडिया में इस बार लॉन्च होते कि नहीं। हालांकि पिक्सल 5 सीरीज तो उन्होंने स्किप कर दिया था, इंडिया में लॉन्च नहीं किया था। इवन 5A जो है वो भी इंडिया में लॉन्च नहीं किया, सिर्फ 4A यहाँ पे इंडिया में मिल रहा है। अब देखते हैं कि ग्लोबली जब ये सीरीज 6 लॉन्च करती है, पिक्सल 6 सीरीज लॉन्च करती है, तो क्या वो हमें इंडिया में देखने को मिलती है कि नहीं, वो देखते हैं कि क्या पता चलता है उसके बारे में आगे जब गूगल इसे लॉन्च करती है, ग्लोबली अनाउंस करती है तब। हालांकि आने तो चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छे स्पेसिफिकेशन के सामने वो देखने को मिलने वाले, देखते हैं कि इंडिया में आते हैं कि नहीं। अब जिस ब्रांड के बारे में बात करने वाले हैं वो है वीवो के बारे में। वीवो की तरफ से देखो 30 सितंबर को जो है वो वीवो X70 सीरीज़ जो है वो लॉन्च होने वाली है इंडिया के अंदर। हालांकि उसका सेल जो है फॉर श्योर अक्टूबर में ही स्टार्ट होने वाला है, बट वीवो की तरफ से एक न्यूज़ निकल के आई है, वीवो की तरफ से नहीं बट वीवो के स्मार्टफोन के बारे में, कि वीवो जो है एक नया एस सीरीज़ का स्मार्टफोन जो है वो लॉन्च करने वाला है, बट कहा जा रहा है कि वो शायद नवंबर या फिर अक्टूबर एंड तक जो है उसके चांसेस है। अगर अक्टूबर एंड तक, मैं इसलिए इस न्यूज़ को कवर कर रहा हूँ कि कहा जा रहा है कि अक्टूबर एंड और नवंबर में, तो अगर अक्टूबर एंड तक अगर जो है हमें चाइना के अंदर कोई वीवो एस सीरीज़ का कोई नया स्मार्टफोन लॉन्च तो नहीं देखने को मिलता है, तो फॉर श्योर मान के चले कि नवंबर में तो हमें देखने को मिलने वाला है। इसलिए ये अक्टूबर नवंबर के अंदर जो है कनेक्टेड थी ये वीवो के बारे में, तो इसलिए मैंने इसको इस वीडियो के अंदर जो है वो कवर किया है। अब जिस ब्रांड के बारे में बात करने वाले हैं वो है इंडियन ब्रांड के बारे में, बात करूँ जियो के बारे में। जियो फोन नेक्स्ट जो है, पता है आपको कि लॉन्च होने वाला था सितंबर में, बट वो डिले हो गया है कुछ कंपोनेंट्स के शॉर्टेज की वजह से, तो अब जो है वो अक्टूबर में लॉन्च होने वाला है। अब देखते हैं, और इवन ऐसे भी कुछ रूमर्स आ रहे थे कि शायद प्राइस भी थोड़ा बहुत इंक्रीज हो सकता है। अब देखते हैं कि अक्टूबर के अंदर कौन सी उनकी लॉन्च डेट निकल के आती है और साथ ही में कौन सी प्राइस पे जो है अब हमें जियो फोन नेक्स्ट जो है वो देखने को मिलता है। अब जिस अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं वो है अपडेट नहीं बट सॉरी ब्रांड के बारे में, बट वो है ओप्पो के बारे में। तो ओप्पो की तरफ से फॉर श्योर हमें एक ए सीरीज का स्मार्टफोन देखने को मिलने वाला है, वो है ओप्पो A55, और ये 4G डिवाइस होने वाला है। ये हमें देखने को मिलने, और शायद कहा जा रहा है कि उसके अंदर में शायद 50 MP का रियर कैमरा सेटअप भी देखने को मिल सकता है। देखते हैं कि ये 1 अक्टूबर को लॉन्च होता है इंडिया में तो हमें कौन सी प्राइस में देखने को मिलता है और कौन से स्पेसिफिकेशन के साथ। साथ ही में जो अभी फिलहाल चाइना में लॉन्च हुई ओप्पो वॉच फ्री, तो वो भी जो है BIS सर्टिफिकेशन जो है वो क्लियर कर चुके, तो मे बी हो सकता है शायद इसी महीने के अंदर कोई फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो रहा है, तो मे बी चांसेस है कि वो भी हमें इंडिया में देखने को मिल सकती है। अब देखते हैं कि अगर इंडिया में लॉन्च होती तो कौन सी प्राइस में हमें ये ओप्पो वॉच फ्री जो है वो देखने को मिलती है। अब जिस ब्रांड के बारे में बात करने वाले हैं वो है इन्फिनिक्स के बारे में। तो इन्फिनिक्स की तरफ से जो मैंने टेक्नोज के अंदर मैंने आपको बताया था कि नोट 11 सीरीज का जो है फ़ोन जो है और बॉक्स जो है उसका फोटो लीकों के सामने आया था, जो अगेन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तो वही जो स्मार्टफोन है वो शायद एक या दो सीरीज उसके अंदर हमें स्मार्टफोन जो है वो यानी कि ये सीरीज़ है, उसके अंदर हमें ये स्मार्टफोन भी जो है वो देखने को मिल सकता है इंडिया के अंदर अक्टूबर के महीने में। अब देखते हैं कि कौन से स्पेसिफिकेशन के साथ हमें इन्फिनिक्स नॉट 11 स्मार्टफोन जो है वो देखने को मिलते हैं। अब जिस ब्रांड के बारे में बात करने वाले हैं वो है नोकिया के बारे में है। नोकिया की तरफ से जो है 6 अक्टूबर को जो है एक इवेंट होने जा रहा है, और इस इवेंट के अंदर जो है हमें नोकिया की तरफ से पहला टैबलेट देखने को मिलने वाला, हालांकि टैबलेट जो टीस किया था उसका भी न्यूज़ मैंने कवर किया है टेक्न्यूज़ के अंदर। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि ऐसे ही जो है लेटेस्ट टेक अपडेट्स जो है आपको मिलती रहे। और वो टैबलेट जो है वो हमें शायद इस इवेंट के अंदर कहा जा रहा है कि लॉन्च होते हुए देखने को मिल सकता है, T20 टैबलेट उसका नाम होगा। साथ ही में नोकिया की तरफ से G50 5G स्मार्टफोन जो है वो भी एक हमें देखने को मिल सकता है। साथ ही में अभी फिलहाल इंडिया के अंदर जो है XR20 जो स्मार्टफोन था नोकिया का, अब वो जो BIS सर्टिफिकेशन के प्रॉब्लम लिस्ट हो चुका है, तो मे बी चांसेस है कि हमें XR20 जो है इंडिया में लॉन्च होते हुए देखने को मिल सकता है। G50 और जो टैबलेट है वो शायद ग्लोबली अभी उसका लॉन्च इवेंट होने वाला अक्टूबर के अंदर, पर मे बी वो भी हमें बहुत जल्दी इंडिया में देखने को मिल सकता है। अब हम जो आखिरी ब्रांड के बारे में बात करने वाले हैं वो है OnePlus के बारे में। जिसके अभी काफ़ी चर्चे हैं इंडिया के अंदर, उसका चार्जर भी ब्लास्ट हो रहा है, फ़ोन भी ब्लास्ट हो रहा है, ठीक है उस बात को साइड पर रखते हैं, पर OnePlus की तरफ से OnePlus 9RT स्मार्टफोन जो है वो लॉन्च होने की काफ़ी हद तक चांसेस है, और ऐसे न्यूज़ भी बीच में चल रही थी। और साथ ही में उसके OnePlus Buds Z2 जो है जो इसके बजट TWS होते वो भी लॉन्च होने वाले हैं, और कहा जा रहा था कि OnePlus 9RT के साथ ही लॉन्च होने वाले हैं, और डेट भी निकल के आई थी बीच में कि कहा जा रहा था कि 15 अक्टूबर को जो है ये लॉन्च हो सकता है। तो जैसे जैसे अक्टूबर का महीना आगे बढ़ेगा उसके बारे में हमें सारी डिटेल्स पता चल जाएगी। स्टे ट्यून्ड विद
टैकियन। सो बस दोस्तों यही सब सारी ब्रांड्स थी जो हमें जिसके स्मार्टफोन जो है वो हमें लॉन्च होते हुए देखने को मिल सकते हैं अक्टूबर के महीने में। सो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। अगर उनको पसंद आए तो वो भी हमारी फैमिली का हिस्सा बन पाए। साथ ही में अगर आपकी कोई क्वेरी हो, आपके कोई क्वेश्चन हो किसी चीज़ को लेकर, तो आप मुझे टैकियन सर्च कीजिए इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक के ऊपर। वहाँ पर आप मुझे फॉलो करके मैसेज करके पूछ सकते हो। आप जो भी क्वेरी हो मैं जितना जानता हूँ उतना आपको गाइड करने की जरूर कोशिश करूँगा। साथ ही में मेरे लिए सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। और अगर अभी भी आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। साथ ही में बेल आइकन को दबाकर ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वीडियो को देख पाओ। तब तक के लिए घर में रहिए, सेफ रहिए, बिना काम के बाहर मत निकलिए, मास्क जरूर पहने और टाइम टू टाइम हैंड वॉश करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।